हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इजी फार्मा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यहाँ पे टॉपिक कवर करने वाले हैं सपोजिटोरीज। अब फ्रेंड्स, दोनों ही टॉपिक हम इसमें देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स हमारी सपोजिटोरीज क्या होती है, साथ ही हम देखेंगे फ्रेंड्स हमारी पिसेरीज क्या होती है। यानी फ्रेंड्स, जो हमारी पिसेरीज होती है सपोजिटोरीज का, ये क्या होती है, यहाँ पर पार्ट होती है। तो फ्रेंड्स, फुल डिटेल्स में हम इसको देखेंगे। जैसे फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर चैप्टर चल रहा है चैप्टर 5। अब फ्रेंड्स हमारे फार्मास्यूटिक्स का यहाँ पर चल रहा है डी फार्मा फर्स्ट टेस्ट। तो इसमें फ्रेंड्स हमारे 3 सेक्शन टोटली कंप्लीट हो चुके थे। जैसे कि हमने सेक्शन 4 फ्रेंड्स यहाँ पर स्टार्ट किया था, जिसे फ्रेंड्स हमने ऑलमोस्ट इसको पूरा हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। जैसे फ्रेंड्स में ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, पेस्ट, जेल्स, लिनिमेंट्स, लोशंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या कवर करेंगे, यहाँ पे फ्रेंड्स हम सपोजिटोरीज देखेंगे, साथ ही में पिसेरीज जो है फ्रेंड्स इसका ही पार्ट होता है। इसलिए हमारे दोनों ही टॉपिक जो है इसी वीडियो में यहाँ पर कवर हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं यहाँ क्या होती है हमारी सपोजिटोरीज। तो फ्रेंड्स फर्स्ट हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, साथ ही फ्रेंड्स हम देखेंगे कौन कौन से रूट्स के थ्रू हम इसको ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स डेफिनेशन जो आपके लेंगे यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश और इंग्लिश फ्रेंड्स दोनों में अवेलेबल रहेगी। साथ ही फ्रेंड्स हम देखेंगे हमारे एडवांटेजेस होते हैं सपोजिटोरीज के, साथ में डिसएडवांटेजेस फ्रेंड्स हम देखेंगे। देन हम देखेंगे फ्रेंड्स हमारे कितने टाइप की यहाँ पे सपोजिटोरीज होती हैं। तो फ्रेंड्स फुल डिटेल्स में हम इसको यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम प्रोवाइड कराते हैं फ्रेंड्स आपको सभी वीडियो लेक्चर जो कि बिल्कुल सीरियल वाइज होते हैं। साथ ही फ्रेंड्स इसके नोट्स, इसके नोट्स के लिए फ्रेंड्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होना होता है, जिसकी लिंक हमारे यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे सपोजिटोरीज। चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है यहाँ पे। सपोजिटोरीज आर डिफाइंड एज सॉलिड और सेमी सॉलिड डोज फॉर्म्स मीन्ट फॉर इंसल्टेंट इन टू द बॉडी कैविटीज। अब फ्रेंड्स हमारे जो सपोजिटोरीज होती है सेमी सॉलिड और सॉलिड दोनों डोज फॉर्म्स अवेलेबल होती है। जैसे फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या होती है फ्रेंड्स हमारी, मोस्टली व्हाइट कलर की हमें देखने को मिलती है। साथ ही फ्रेंड्स हम इनको कौन कौन से रूट्स के थ्रू ले सकते हैं, तो रेक्टम रूट के थ्रू फ्रेंड्स हम इसको ले सकते हैं, जो हमारे बैक साइड से ले जाती है। साथ ही फ्रेंड्स वेजाइनल रूट के थ्रू हम इसको ले सकते हैं, साथ में यूरेथ्रा रूट के थ्रू हम ले सकते हैं, साथ ही में हमारी जो नेसल कैविटीज़ होती है फ्रेंड्स उसके थ्रू भी हम इसको एक तरह से एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स जनरली चलिए देखते हैं हमारे सपोजिटोरीज मतलब एक तरह से डिज़ाइन के बेस पे। तो जनरली फ्रेंड्स हमारे पास क्या है, ये एक इनहेलर है, यानी फ्रेंड्स नज़ला थोड़ा वाला है तो इस वजह से लिया। तो क्या फ्रेंड्स बिल्कुल लाइक दिस, बिल्कुल सिमिलर इसी की तरह क्या होती है हमारी सपोजिटोरीज होती है। अब फ्रेंड्स इनको इस मतलब इस स्ट्रक्चर्स के बेस पे क्या होता है, इनको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह। फ्रेंड्स बहुत ही तरह से हम आगे इनको पढ़ेंगे किस तरह से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं फ्रेंड्स इसके बारे में पॉइंट्स। दीज आर डिज़ाइन टू मेल्ट डिसइंटीग्रेट्स और डिसॉल्व एट द बॉडी टेम्परेचर्स। अब फ्रेंड्स हमारे लिए क्या होता है, मान लीजिए भाई आपके पास क्या है, आपके पास एक सपोजिटोरीज है। अब आपने इसका यूज़ किया, अब यूज़ फ्रेंड्स आप कहाँ पर कर रहे हैं, बॉडी कैविटीज़ में हमारी कर रहे हैं, जैसे कि नेसल कैविटीज़ या हमारी रेक्टम कैविटीज़ वगैरह हो गई, इनमें यूज़ कर रहे हैं। तो जब हमारी बॉडी के अंदर जाती है फ्रेंड्स तो क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है, यानी एक तरह से आप फ्रेंड्स समझ लीजिए क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है यहाँ पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रेंड्स होता है। इसी को हम फारेनहाइट में देखें तो हमारा 98 डिग्री फारेनहाइट यहाँ पर होता है। अब फ्रेंड्स ये जो हमारे यहाँ पे टेम्परेचर होता है बॉडी का टेम्परेचर, इसी के बेस पे क्या बनाई जाती है हमारी सपोजिटोरीज को, यहाँ पे एक तरह से डिज़ाइन किया जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी में जाके फ्रेंड्स एक टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो सके, साथ में डिसइंटीग्रेट होने के बाद डिजोल्व हो सके हमारी बॉडी टेम्परेचर्स के अकॉर्डिंग, जब भी तो फ्रेंड्स अपना इफेक्ट वहाँ पर शो कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। पिसेरीज आर ऑल्सो मेड ऑफ कम्प्रेस्ड टैबलेट्स। अब फ्रेंड्स क्या होती है, मान लीजिए बिल्कुल सिमिलर आप कम्प्रेस्ड टैबलेट की तरह समझिए, ये क्या होती है फ्रेंड्स हमारी एक टैबलेट्स होती है। अब टैबलेट्स को यहाँ बनाए फ्रेंड्स कैसे गया, तो भाई हमारे जैसे पीछे हमने आपको बताया क्या होता है, हमारे ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसको हम क्या करते हैं कंपैरिजन मेथड्स के थ्रू क्या कर लेते हैं, पंचिंग मशीन के थ्रू हमने टैबलेट्स यहाँ पे प्रिपेयर कर लेते हैं। अब इसी तरह से क्या होता है फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे सपोजिटोरीज होती हैं, क्या करते हैं इसको एक कंप्रेस टैबलेट्स की तरह क्या करते हैं हम इसको प्रिपेयर करते हैं, यानी इस तरह से आप समझिए लगभग हमारी क्या होती है इस तरह के हमारे पास एक सपोजिटोरीज होती है। अब फ्रेंड्स इस तरह से इसको नुकीला क्यों बनाया जाता है, तो इसका इस तरह से अगर हम देखें तो हमारी जो बॉडी कैविटीज़ जो होती हैं उसमें इसका यूज़ जो होता है इजीली कर लिया जाता है। अब यूज़ को फ्रेंड्स हम आगे देखेंगे इसके टाइप्स में कितने तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये हो जाता है फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन, आप चाहें तो हिंदी प्लस इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, दोनों में आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं हमारे पास जो सपोजिटोरीज उसके क्या क्या एडवांटेजेस हमें यहाँ पर हो सकते हैं। दे कैन बी ईजिली एडमिनिस्टर्ड टू चिल्ड्रंस ओल्ड पर्सनस। अब फ्रेंड्स क्या होता है इसको ओल्ड पर्सनस और चिल्ड्रंस ईजिली क्या कर सकते हैं इसका यूज़ कर सकते हैं। भाई ऐसा नहीं है क्योंकि माउथ के थ्रू तो हम इसको ले नहीं रहे हैं, जो हमें खट्टी वगैरह लगेगी या भाई ऐसे बिटर टेस्ट है तो हमसे खाई नहीं जाएगी, तो खाई फ्रेंड्स इसको नहीं जाती, क्या होता है बॉडी कैविटीज़ में ओनली इसको एडमिनिस्ट्रेट एक तरह से करते हैं। दे आर इंसल्ट इन टू द बॉडी कैविटीज टू प्रोड्यूस लोकल इफेक्ट। अब फ्रेंड्स क्या करती है भाई, ये हमारे लोकल इफेक्ट भी यहाँ पे शो करती हैं, साथ ही में सिस्टम के एक्शन भी हमारे शो करती है हमारे ब्लड में यहाँ पे मिलकर। तो फ्रेंड्स ये तो हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। इट इज़ सुटेबल फॉर ड्रग्स विच प्रोड्यूस इरिटेंट इफेक्ट इन जी आई टी।
अब फ्रेंड्स क्या होती है, मान लीजिए हमारे पास कुछ टैबलेट्स वगैरह ऐसी होती है जिनको हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, तो हमारे जो GIT यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होती है उसमें जाकर वहाँ पर इरीटेशन कोस कर देती है। तो फिसलीज में फ्रेंड्स इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। दे गिव सस्टेन एक्शन स्लोली एब्जॉर्ब। अब फ्रेंड्स क्या करती है, हमारा सस्टेन एक्शन देती है एक तरह से, मतलब स्लोली स्लोली ये देती हैं, स्लोली स्लोली एब्जॉर्ब होती है, इस वजह से स्लोली स्लोली अपना एक्शन वहाँ पर प्रोड्यूस करती हैं। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं यहाँ पे डिसएडवांटेजेस यहाँ पे सपोजिटोरीज के क्या क्या होते हैं, जैसे कि नीड स्पेशल स्टोरेज कंडीशन। अब फ्रेंड्स जैसे कि पीछे आपको बताया भी, मान लीजिए क्या है हमारे जो यहाँ पे क्या है पिसेरीज है, एक तरह से क्या है हमारे सपोजिटोरीज है। अब इसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर का अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर किया गया है। अब मान लीजिए भी हमारा जो टेम्परेचर क्या होता है ना, आपने देखा है गर्मी के टाइम में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा चला जाता है। इस वजह से फ्रेंड्स अगर इससे ऊपर जा रहा है, मान लीजिए भी हमारा 38 हो गया, चलिए थोड़ा चल जाएगा 40 फ्रेंड्स हो गया, भाई गर्मी का टाइम चला है समर डेज तो उसमें हो गया, तो स्टोरेज इसके अच्छे से नहीं कहेगी, तो एक तरह से क्या हो जाएगी फ्रेंड्स वहाँ पे डिसइंटीग्रेट होने लगेगी, एक तरह से मतलब डिजोल्व होने लगेगी अपने नेचर में। तो इस तरह से फ्रेंड्स क्या होता है इसकी एक स्पेशल स्टोरेज की हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स होती है। दे कैन नॉट बी प्रिपेयर ईजिली। अब फ्रेंड्स क्या होता है भाई, इनको ईजिली प्रिपेयर भी नहीं किया जाता है क्योंकि टेबलेट्स की तरह वैसे बनती है लेकिन उससे थोड़ी हार्ड प्रोसेस इनकी होती है, क्योंकि एक तरह से बिल्कुल पर्टिकुलर शेप में इनको यहाँ पर बनाया जाता है। द रिटेन ड्रग कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड। अब फ्रेंड जो हमारी रिटेन ड्रग होती है उनको एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि भाई मान लीजिए नेसल के थ्रू आप यूज़ कर रहे हैं तो वहीं पर इरीटेशन कोस करना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से ये भी इसके फ्रेंड्स यहाँ पर डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। अब फ्रेंड्स आपको थोड़ी आवाज़ें आ सकती हैं, आई का फंक्शन वगैरह चल रहे हैं पड़ोस में, इस वजह से आपको आ सकती है, तो आप उनको फ्रेंड्स ऐसा अवॉइड करते हुए अपनी ओनली फोकस यहाँ पर स्टडी पे करें। अब चलिए देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सपोजिटोरीज, यानी फ्रेंड्स हमारी जो सपोजिटोरीज होती हैं कितने टाइप्स की होती हैं। तो फ्रेंड्स इनको बहुत ही टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, जैसे चलिए देख लेते हैं रेक्टल सपोजिटोरीज। अब फ्रेंड्स नाम से आपको पता चला है रेक्टल, यानी रेक्टल रूट के थ्रू हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वेजाइनल सपोजिटोरीज। अब आपको पता चला है इनका यूज़ हम कहाँ से करते हैं, वेजाइनल रूट के थ्रू करते हैं। अब इसी को फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं यहाँ पर पिसेरीज भी कहते हैं, यानी जनरली अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स आपसे अगर पिसेरीज टॉपिक्स एग्जाम्स में पूछता है तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछता है, यानी 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में। तो अगर इस तरह से फ्रेंड्स मान लीजिए आपको इस नाम से दे देता है, साथ में इस नाम से आपसे पूछ लेता है, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स जो वेजाइनल सपोजिटोरीज होती है इसकी फुल डिटेल्स में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, जैसे कि फ्रेंड्स आगे हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब चलिए फ्रेंड्स थर्ड हम देख लेते हैं यूरेथ्रल सपोजिटोरीज। तो फ्रेंड्स आपको यूरेथ्रल रूट के थ्रू ली जाती है उसको हम यूरेथ्रल सपोजिटोरीज कहते हैं। साथ ही फ्रेंड्स हमारी क्या जाती है नेसल सपोजिटोरीज आती है, इसको बाउगेज भी हम कहते हैं, यानी नेसल रूट के थ्रू हम इसको लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स लास्ट हमारी होती है ईयर कॉन्स। अब फ्रेंड्स फुल डिटेल्स हम इसको सब में देख लेते हैं। फर्स्ट हमारी आ जाती है यहाँ पर रेक्टल सपोजिटोरी, जैसे फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यानी इसका साइज आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यानी दीज आर सपोजिटोरीज विच इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय रेक्टल रूट्स फोर्स इफेक्ट। यानी फ्रेंड्स अगर आप इसको सिंपल लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं, यानी ये हमारी वो सपोजिटोरीज होती है जिसका यूज़ हम रेक्टल रूट के थ्रू करते हैं बॉडी में सिस्टमिक इफेक्ट लेने के लिए। यानी फ्रेंड्स आप वही रेक्टल रूट के थ्रू कर रहे हैं तो बॉडी में जाएगी, मेल्ट होगी, डिजोल्व होगी, ब्लड में मिलेगी, तभी तो अपना सिस्टमिक एक्शन बॉडी के अंदर आपकी शो करेगी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, जनरली मेड फ्रॉम थियोब्रोमा ऑयल। अब फ्रेंड्स हमारे जो थियोब्रोमा ऑयल होता है जनरली उसके थ्रू क्या किया जाता है, इसको यहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस। अब फ्रेंड्स हमारे जो रेक्टल रूट सपोजिटोरीज होती है डिफरेंट साइज में यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, जैसे कि लाइक 1 ग्राम में फ्रेंड्स होती है, हमारी 2 ग्राम्स में भी यहाँ पे होती है। अभी कौन शेप में भी हो सकती है और यहाँ पे टर्पीटो शेप में फ्रेंड्स यहाँ पे हो सकती है, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये, यानी क्या होता है फ्रेंड्स इस टाइप की होती है हमारी सपोजिटोरीज होती है जिसको हम रेक्टल रूट के थ्रू, तो फ्रेंड्स क्या कर लेते हैं यहाँ पर ईजिली इसको यूज़ कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स में आप देख लेते हैं वेजाइनल सपोजिटोरीज। अब फ्रेंड्स ये जो हमारे सपोजिटोरीज होती है इनको ओनली फीमेल्स के थ्रू यहाँ पे यूज़ किया जाता है वेजाइनल रूट के थ्रू। अब चलिए फ्रेंड्स इसको देख लेते हैं, दीज आर दो सपोजिटोरीज विच आर एडमिनिस्टर्ड बाय वेजाइनल रूट कैविटी। यानी फ्रेंड्स हमारी वो सपोजिटोरीज होती है जिनको वेजाइनल रूट के थ्रू यहाँ पे एडमिनिस्टर्ड किया जाता है, यानी कैविटी के थ्रू, आल्सो नोन एज पिसेरीज। तो फ्रेंड्स पिसेरीज के नाम से भी हम इसको यहाँ पे जानते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वेजाइनल सपोजिटोरीज में भी कॉनिकल शेप में फ्रेंड्स ये हो सकती है, साथ ही में इसका वेट जो है 4 से 8 ग्राम भी यहाँ पे हो सकता है। ये राउंड शेप में अवेलेबल होती हैं, लॉन्ग शेप में अवेलेबल होती हैं, बुलेट शेप में अवेलेबल होती हैं, साथ ही में हमें टेम्पोन शेप में भी अवेलेबल होती हैं, जैसे फ्रेंड्स आप इसका एग्जाम्पल्स यहाँ पर देख सकते हैं। यानी फ्रेंड्स जो यहाँ पे फीमेल्स के थ्रू यूज़ की जाती है वेजाइनल रूट के थ्रू हमारे सपोजिटोरीज, तो ये इतनी शेप में यानी 5 शेप में हमें अवेलेबल होती हैं, जैसे कि राउंड शेप में फ्रेंड्स आपकी ये हो गई, लॉन्ग शेप में आपकी ये हो गई, टर्पेटो शेप में फ्रेंड्स आपकी ये हो गई, साथ ही में बुलेट हमने देखा ना भाई गोली, उस तरह क्या होता है हमारी जो बंदूक वगैरह की गोली होती है एक तरह से क्या होती है फ्रेंड्स इस तरह की शेप की होती है, साथ ही हमारी होती है टेम्पोन शेप होती है फ्रेंड्स हमारी ये होती है। तो इस तरह की हमारी क्या होती है फ्रेंड्स वेजाइनल सपोजिटोरीज होती हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं
नेसल सपोजिटोरीज। अब फ्रेंड्स ये जो हमारी सपोजिटोरीज होती हैं इनका यूज़ हम कैसे करते हैं, नेजल कैविटी के थ्रू हम यहाँ पे करते हैं, जैसे कि एडमिनिस्टर्ड बाय नेजल रूट की कैविटी, यानी हमारी नेजल कैविटी या रूट जो होती है फ्रेंड्स उसके थ्रू हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दे आर थिन एंड सिलिंड्रिकल शेप। अब फ्रेंड्स क्या होता है, हमारी थिन शेप की होती है, साथ ही हमारी सिलिंड्रिकल शेप की भी यहाँ पे ये हो सकती है, ऑल्सो नोन एज नेजल बॉगीज। तो फ्रेंड्स इस नाम से आपसे क्या होता है भाई, शॉर्ट क्वेश्चन में या आपका मल्टीपल क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है यानी वॉट इज बाउगीज। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर नेसल सपोजिटोरीज होती है इसको अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देना है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय विद ग्लिसरिलो जिलेटिन बेस। अब फ्रेंड्स हमारे क्या होती है, यहाँ पर ग्लिसरिलो जिलेटिन बेस होती है उसके थ्रू इसको प्रिपेयर किया जाता है जनरली। जैसे फ्रेंड्स 9 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकती है, साथ ही में इसका वेट जो 1 ग्राम भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स हम देख लेते हैं, यहाँ पे यूरेथ्रल सपोजिटोरीज, यानी फ्रेंड्स यूरेथ्रल रूट के थ्रू इसको क्या किया जाता है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। जैसे यूरेथ्रल इन्फेक्शंस वगैरह हो जाते हैं फ्रेंड्स तो उसमें हम इसका यूज़ करते हैं, यानी दीज आर एडमिनिस्ट्रेट बाय यूरेथ्रल रूट्स। अब फ्रेंड्स इसको अदर नाम से हम कैसे जानते हैं, यानी ऑल्सो नोन एज यूरेथ्रल बाउगीज के नाम से फ्रेंड्स हम इसको जानते हैं। साथ में कहते हैं फ्रेंड्स ये थिन शेप में भी हो सकती है, लॉन्ग और सिलिंड्रिकल शेप में भी यहाँ पे हो सकती है, जिसका यूज फ्रेंड्स इसको ईजिली हम कर सकें यहाँ पे यूरेथ्रल रूट के थ्रू। फिर चलिए फ्रेंड्स लास्ट में यहाँ पे देख लेते हैं ईयर कॉन्स। अब फ्रेंड्स हमारी ईयर कॉन्स होती है, तो फ्रेंड्स ये हमारी क्या होती है, वो एक तरह से वो कॉन्स होती है जिसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, ईयर यानी कान में करते हैं। अब फ्रेंड्स इसका यूज़ कैसे करते हैं, तो मान लीजिए क्या होता है ना भाई, समटाइम्स बच्चों के या ओल्ड या मतलब किसी के भी हो सकता है कान में फ्रेंड्स क्या होता है मैल वगैरह हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हमारे जो है फ्रेंड्स ईयर कॉन्स होती है इसको कान के अंदर डाल देते हैं। एक तरह से क्या होता है फ्रेंड्स, अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वहाँ पे मेल्ट होती है, उससे क्या होता है जो आपके एक तरह से झाग वगैरह बना लेती है, जो कान में मेल वगैरह होता है क्या फ्रेंड्स फूल के एक तरह से वो बाहर आने लगता है, जिसको क्या कर लेते हैं वाटर वगैरह इस तरह से हम वॉश कर लेते हैं, जिससे वो होता है अपना सपोजिटोरी वहाँ पे इफेक्ट शो करती है। अब फ्रेंड्स एक नाम से और हम इसको जानते हैं, यानी ऑल्सो नोन एज यूरेनेरिया, तो फ्रेंड्स इस नाम से हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं थिन एंड लॉन्ग सिलिंड्रिकल शेप में फ्रेंड्स क्या होती है, ये होती है यानी एक तो थिन होंगी और साथ में सिलिंड्रिकल शेप में भी अवेलेबल होती है, जिससे फ्रेंड्स इजीली इनको यूज़ किया जा सके। साथ ही फ्रेंड्स का वेट जो होता है जनरल क्या होता है 1 ग्राम में देखने को मिलती है। आई होप फ्रेंड्स आपको पूरा ही वीडियो लेक्चर्स बहुत ही अच्छे से समझ आ गया हो। तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका बेनिफिट्स यहाँ पे मिल सके। तो फ्रेंड्स आपका जो यहाँ पे टॉपिक चल रहा था फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमने पीछे स्टार्ट किया था आपका सेक्शन 4 यानी टॉपिकल प्रिपरेशन, तो फ्रेंड्स ये पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे रहने वाला है, जिसमें फ्रेंड्स आपके हम नेसल प्रिपरेशन वगैरह यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।